समाजवादी पार्टी ने घोसी यादवों को बर्बाद करने का किया है काम। बताते चलें कि समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक घोसी यादवों को बर्बाद करने का काम किया है। इसी को लेकर सर्वजन सुखाय पार्टी करहल विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक न्याय एवं स्वाभिमान यात्रा निकालकर मुख्य रूप से घोसी यादवों को जागरूक करने का काम कर रही है। यह कहना है कि सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री प्रसाद यादव का सोमवार को करहल विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली में आए थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई मगर उन्होंने आज तक किसी भी घोसी यादव को मंत्री बनने का मौका नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य घोसी समाज को उनका अधिकार मान सम्मान और राजनीतिक पहचान दिलाना है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 2024 में होने जा रही है लोकसभा चुनाव के समय मैनपुरी इटावा का 9 सहित 8 लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी उतरने जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा देश राजनीतिक के माध्यम से गरीबों की मदद करना है। श्री प्रसाद यादव ने कहा कि मैनपुरी की जनता ने सर्वजन सुखाय पार्टी की लोकप्रियता को बढ़ाया है। इसी के साथ सर्वजन सुखाय पूरे वंचित समाज के हितों के लिए संघर्ष का बिल्कुल फूंक चुकी है। यह सामाजिक न्याय यात्रा करहल से दिहुली होकर बरनाहल क्षेत्र के लिए रवाना हो गई है। रैली पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। इसके अलावा मैनपुरी में एक ही पार्टी के हल्ला बोल चल रहा था, इसको समाप्त करना भी मेरा मुख्य उद्देश्य दी गई है। समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार के लोगों को लोकसभा चुनाव के लिए नाम घोषित कर दिए हैं। हमने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश के किसी किसानों को उनकी फसल का पूरा लाभ दिलाएंगे। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र प्रतिशत घोसी बहुल क्षेत्र है मगर उन्होंने आज तक किसी भी घोसी समाज के व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बनाने का काम नहीं किया है। हमारे घोसी समाज की पूर्व विधायक उर्मिला यादव और पूर्व विधायक जगमोहन यादव को सिर्फ उन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। सैफई वालों की जब लखनऊ में सरकार थी उससे अच्छी आज भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था है। रैली में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष जसकरण सिंह कठेरिया, जिला अध्यक्ष सतेंद्र यादव, विधानसभा अध्यक्ष उपेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष औरैया जितेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष कन्नौज प्रेम सिंह यादव, जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद प्रिंस यादव, विनीता यादव, रामदास यादव, अभिलेख सिंह यादव आदि कार्यकर्ता भी मोटरसाइकिल सहित उपस्थित थे। आज ये सर्वजन सुखाय पार्टी जिला मैनपुरी की तरफ से विधानसभा भाई आज करल विधानसभा का सामाजिक न्याय एवं स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है और मैनपुरी की धरती पर एक ही परिवार का जो हल्ला बोल चल रहा था उसको समाप्त करने का ये प्रयास किया जा रहा है। क्या तो क्या लगता है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? निश्चित रूप से अगर हमारी पार्टी कहेगी तो मैं यहाँ से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। अरे जिस तरीके से जो है चर्चा चल रही है कि जो है घोसी यादवों को जो है कोई राजनीति में जो है भूमिका नहीं दी है। निश्चित रूप से सैफई परिवार ने पूरे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक जितने भी घोसी यादव थे उनको बर्बाद करने का काम किया है, उनको तहस नहस करने का काम किया है और केवल अपने परिवार को सैफई परिवार को आबाद करने का काम किया है। और इसी के खिलाफ शिव प्रसाद यादव और सर्वजन सुखाय पार्टी की मुहिम है कि सैफई परिवार की इस तानाशाही को खत्म करना है और हल्ला बोल को खत्म करना है और मैनपुरी को इस सैफई परिवार से मुक्त कराना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यूपी से चुनाव लड़ोगे लोकसभा चुनाव का? अगर हमारी पार्टी कहेगी तो हम मैनपुरी से चुनाव लड़ने को पूरी तरीके से तैयार हैं। यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं? हम उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अकबरपुर, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फरकाबाद, एटा और बदायूं। इन 8 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपने परिवारवाद की बात की है तो अभी जो लोकसभा सीट वितरण की गई है, बताई गई है, घोषणा की गई है उसमें भी परिवार के सभी टिकट, उसमें सैफई परिवार के जितने समाजवादी पार्टी ने अभी तक लिस्ट जारी की है उसमें जितने यादव हैं वो सभी सैफई परिवार के यादव हैं। सैफई परिवार या अपने आप को ही केवल यादव समझता है। जो सैफई में पैदा होते हैं वही अकेले यादव होते हैं, जो सैफई में पैदा होते हैं वही केवल राज करने के लिए तैयार होते हैं। बकाया पूरे प्रदेश का यादव और विशेषकर घोसी यादव तो केवल उनको वोट देने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा, अपनी जो यात्रा निकल रही है वो क्या उद्देश्य लेके निकल रही है? हमारी यात्रा घोसीवाद जिंदाबाद हल्ला बोल हटाना है, भाईचारा लाना है सर्व समाज के साथ और हम सबने मिलकर ठाना है
हल्ला बोल हटाना। जिस तरह जो है अखिलेश यादव जी लगातार गठबंधन को लेकर जो है अपने लोगों से प्रयासरत कर रहे हैं, आपसे ही बातचीत हुई या आपने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया? देखिए ऐसा है, अगर उन्होंने हमारे समाज का सम्मान करना सीखा होता तो 40 वर्षों से 90% घोसी बाहुल मैनपुरी लोकसभा सीट है, 40 वर्षों से एक भी घोसी यादव को जन प्रतिनिधि बनने का मौका नहीं मिला। इस सैफई परिवार ने 40 वर्षों से एक भी घोसी यादव को जन प्रतिनिधि बनने का मौका नहीं मिला और जो बने हुए थे ऑलरेडी हमारे जगमोहन सिंह और उर्मिला जी, उनको भी बर्बाद करने का काम किया है। अच्छा, आपने सब घोषणा पत्र रखा है कि जनता को अगर जो है चुनते हैं तो क्या? हाँ, हमारा घोषणा, हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है कि हम अपने उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी जो फसल की जो कीमत है वो पूरी तरीके से, जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है उसको पूरी तरीके से दिलाएंगे। जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य किसानों को पूरा मिलता है, वो हम अपने यूपी के किसानों को भी दिलाएंगे। और जो हमारे यूपी के किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पूरा मिलेगा तो हमारा किसान भी खुशहाल होगा। दूसरी हमारी बात यह है कि हम अपने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये आउटसोर्सिंग से भर्तियां कर रही है। हम चाहते हैं आउटसोर्सिंग से भर्तियां बंद हों, सीधे विभागों में भर्तियां शुरू हों, जिससे हमारे मजदूर और किसान और कमजोर वर्ग के लोग बच्चे भी उसमें आ जाए। दूसरा हमारा ये कहना है कि इस देश में जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो सभी राष्ट्र के हित में काम कर रहा है, इसलिए 60 वर्ष की उम्र के ऊपर चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी काम करने वाला हो, 60 वर्ष से ऊपर किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी व्यवसाय का बुजुर्ग व्यक्ति अगर हो जाए तो उसको 25,000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन आवश्यक रूप से दी जाए। घोसी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या संदेश देना चाहेंगे? घोसी यादव समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि अब आपको अपना स्वाभिमान जगाना है। हम सब घोसी यादवों ने ठाना है कि अपना स्वाभिमान बचाना है। एक लास्ट सवाल, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? यात्रा आपने कहाँ से शुरू की और कहाँ तक, कब तक चलेगी यात्रा? ऐसा है, हमारा अकबरपुर लोकसभा और जिन जिन लोकसभाओं में हम चुनाव लड़ेंगे आपको पहले गिना चुके हैं, उन सभी लोकसभाओं में विधानसभा वाइज हम इसी प्रकार की सामाजिक न्याय और स्वाभिमान यात्राएं निकाल रहे हैं, जो कि आज से पहले दिन की शुरुआत है। पूरे फरवरी भर हमारी यात्राएं डेली लगी हुई है। आज करैल विधानसभा में कहां जाना होगा सर? आज करैल विधानसभा का रूट हमारे जिलाध्यक्ष सत्यन जी को मालूम है, ये जैसा हमारा मार्गदर्शन करेंगे, मैनपुरी जिले के तो यही हमारे मार्गदर्शक है, ये जैसा जहाँ ले जाएंगे वहाँ हम घोसी सब जाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ ऑफर आया है ऐसा गठबंधन टाइप का? नहीं, सबसे पहले हमको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। सर्वजन सुखाय पार्टी ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, और सर्वजन सुखाय पार्टी केवल इंसान बनाएगी। अच्छा, कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था यद्यपि कहीं कहीं गड़बड़ है, लेकिन इसके पहले जब सैफई वाले राज करते थे उससे तो ये कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। उस समय लोग कहते हैं, आज जब बात करते हैं कि आप वोट दीजिए सपा को, वोट अगर नहीं दोगे तो सांड आपकी फसल खा जाएंगे, लेकिन लोग ये कहते हैं कि सपाई सांड तो हम, ये जो खेतों वाले सांड हैं ये तो लाठी मार के भगा देंगे, लेकिन सपाई सांड जब सरकार में होते हैं और जब बेघर में घुस जाते हैं तो उन्हें हम कैसे भगा पाएंगे। इसलिए खेतों वाले सांड ठीक है, सपाई सांड ठीक नहीं है।